साथियों जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों पिछले चार दिनों से हरियाणा सहित पूरे देश में बारीक धान बासमती और नॉन बासमती की खरीद बंद पड़ी है। किसान परेशान है, खराब मौसम के कारण उसकी धान खराब हो रही है। मुद्दा इतना बड़ा है साथियों, सरकार ने गहरी साजिश रच दी है। सरकार ने धान की निर्यात पर शर्त लगा दी कि $1200 प्रति टन के हिसाब से ही धान का निर्यात हो सकता है बासमती का, और नॉन बासमती पर भी टैक्स लगा दिया। एक तरह से धान का निर्यात बंद हो गया। जो निर्यात संघ है उसने खरीद बंद कर दी, वो हड़ताल पर चले गए। पिछले चार दिनों से हरियाणा सहित पूरे देश में एक भी ढेरी की खरीद नहीं हो रही है। सरकार कह रही है कि अगर धान निर्यात होगा तो देश में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन सरकार ये जवाब दे, क्या गरीब आदमी बासमती धान खाता है? और जब किसान को अपनी फसल बेचनी होती है तब ही सरकार को महंगाई याद क्यों आती है? महंगाई को रोकने के 1000 रास्ते, सरकार उन पर काम क्यों नहीं करती है? साथियों बड़ा गंभीर विषय है, किसान को लूटने की बड़ी साजिश है। धान को लूटा जा रहा है। निर्यातक संघ भी इस बात को समझे कि बीजेपी को आपसे फंड लेना, इनको समय से फंड दे दो, बाद में भी देना पड़ेगा। सरकार तत्काल प्रभाव से इस समस्या का समाधान करे और बासमती धान की खरीद शुरू करे, अन्यथा फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। किसान को इस तरह से सरकार नहीं लुटवा सकती, ये गहरी साजिश है। निर्यातक भाइयों से भी अपील है और सरकार से भी अपील है, चार दिन बीत चुके हैं, तत्काल समाधान करो और खरीद शुरू करो, अन्यथा किसान बेवकूफ नहीं है, हम सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। पीयूष गोयल मंत्री, केंद्र सरकार ने खुद कहा था कि $850 के हिसाब से निर्यात होगा, बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि $1200 प्रति टन के हिसाब से निर्यात होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि WTO के अंतर्गत पूरी दुनिया एक बाजार है, फिर निर्यात पर इस तरह की वाहियात की शर्तें लगाने का मतलब है कि केंद्र सरकार किसान को ठगना चाहती है। ये धान सस्ते रेटों में किसान से लूट करके फिर ये अडानी अंबानी जैसों के पास जाएगा, फिर निर्यात खोल देगी सरकार। ये बड़ा गंभीर विषय है, सभी किसान तैयार रहे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस पर आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन किसान के धान को लूटने नहीं दिया जाएगा। अगर किसान इसमें नहीं जागे तो प्रति किसान को 15-20-25 हजार रुपए तक का आपको धान बिक्री में नुकसान होगा। सभी साथी तैयार रहे, या तो सरकार समस्या का समाधान करेगी और धान की खरीद शुरू होगी, अन्यथा इसके ऊपर कड़े फैसले लिए जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।